मध्य प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया गुरुवार को ग्वालियर पहुंची, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कारणों के चलते संगठन से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का निवेदन किया गया है। उन्होंने खेलों एमपी यूथ गेम्स को लेकर कहा कि अच्छे परिणाम बहुत आए हैं। यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी में स्कूली बच्चों की वायरल वीडियो पर भी कहा, यह सच है कि मेरा राजनीतिक जीवन बहुत कठिन रहा है। मैं राजमाता की बेटी रही, लेकिन मेरे सामने बहुत चुनौतियां भी रही। मैं भी अपने जीवन में चुनौतियों का सामना किया हूँ। चुनाव लड़ने के सवाल पर यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे रिकवरी के लिए समय चाहिए। बहुत कठिन रहा, सब लोग सोचते हैं राजमाता की बेटी हूँ, पर बहुत सामने चुनौतियाँ आईं। वो मैंने गलत नहीं कहा, आप मुझे दोहरा रहे क्यों? मुझे दोहराना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे टाइम समय ही नहीं मिला रिकवरी के लिए। खेलो इंडिया का मुझे करना पड़ा, वर्ल्ड शूटिंग जिसमें 30-30, 40-40 देश आए उसको करना पड़ा। उसके बाद ग्लोबल स्किल्स पार्क, कल ही हमने उसका लोकार्पण किया माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से। तो मेरे पास समय नहीं हुआ है रिकवरी करने के लिए, और चौथी बार कोरोना हुआ। बहुत ही अच्छे रहे, ग्वालियर के अच्छे परिणाम आए, शिवपुरी के अच्छे परिणाम आए। अब इसके ऊपर हम डेटा एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कहाँ कहाँ से कौन से किस विधा में मेडल्स आए हैं, ताकि हम फीडर सेंटर शुरू करें वहाँ और अपने बच्चों को वहाँ से निकाल के आगे एकेडमीज़ में लाएं। ये बहुत अच्छी एक पहल हुई है और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में।